नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले अशोक गहलोत के बोल एक बार फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं और आखिरकार अब उन्होंने जो बयान दे दिया है उसके बाद न केवल पार्टी और ना ही केवल विपक्षी पार्टियों के बीच बल्कि अब जनता के बीच भी गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान ही ऐसा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उनके साथ घिनौनियत जैसी हरकत पर उनका एक बड़ा और विवादित बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म और उसके बाद जानलेवा हरकत के लिए फांसी की सजा को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने कहा कि आरोपी को लगता है कि पीड़िता उसके खिलाफ दुष्कर्म के लिए गवाह बन जाएगी, इसलिए वो उसकी जान ले लेता है। जी हां, आपको बता दें कि अब तक राजस्थान में बीते 2 साल में 26 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उनकी जान लेने का मामला सामने आया है। सीएम अशोक गहलोत के इस शर्मनाक बयान के बाद लगातार उनकी कड़ी निंदा की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर भी ऐसा ही एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद लगातार सीएम अशोक गहलोत की यहां पर उनके इस शर्मनाक बयान की निंदा की जा रही है। लगातार जनता के बीच गुस्सा फूट पड़ा है। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के इस बयान के बाद अब उनकी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और शर्मनाक खबर सामने आ रही है। जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को लेकर लगातार बढ़ रहे अपराधों पर जो ये शर्मनाक बयान दिया है, आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस विवादित बयान पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।